सुंदर है पर ऊपर से ये पत्थर हो। पानी जैसे इसके तारे घुसता है फिर फंसता है हर चक्कर में घन चक्कर हो। भागे भागे वहाँ सोचता है क्या रोचु आ गया डाले तंगड़ी डाले खंबे जैसी लंबी हो। बल्टे बल्टे दुनिया सारे जोकर हंसता दिंगड़ बसते डॉक्टर डॉक्टर बम्बे बो। भागे भागे आज सिखाऊंगा मैं बॉडी जैक। चलो नाकागावा, आज काम के बाद में कहीं बैठते हैं। सॉरी रियोत्सु सर, लेकिन बात यह है कि मुझे थोड़ा काम है यहाँ। अच्छा, क्या काम है? मुझे डिनर के लिए कैमरॉन रॉबर्ट्स के साथ बाहर जाना है। वो यहाँ हमारी कंपनी की बनाई एक फिल्म की पब्लिसिटी के लिए आई हुई हैं। अरे, वो जो हॉलीवुड की नंबर वन एक्ट्रेस है वही है? हाँ। मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ नाकागावा, मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। पिछली बार जब उन्होंने अपने घर पर पार्टी दी थी तब मैं उनसे मिली थी, वो बहुत ही अच्छी लेडी है। तुम बिल्कुल, हमारी तरफ से उन्हें हेलो कह दूंगा। अरे वाह, क्या बात है, वाह, तुम दोनों दुनिया के मशहूर लोगों को जानते हो, वंडरफुल। आज ही बाद में घर जाकर अपनी फैमिली को बताऊंगा। हाँ, एक तो हॉलीवुड एक्ट्रेस के साथ बिजी है और दूसरा अंकल के साथ डिनर कर रहा है। ऐसा मत कहो रियोत्सु, वो लोग पैदा ही अमीर हुए और जिंदगी में उन्होंने कभी भी कोई मेहनत नहीं किया। ये कितनी गलत बात है, मैंने गुस्से में आके नाकागावा की इलेक्ट्रॉनिक नोटबुक अपनी वाली से बदल दी। पार्टी कर रहा है एक्ट्रेस के साथ। आखिर ये दिखाना क्या चाहता है? मुझे बहुत बुरा लग रहा है, ये कोई तरीका हुआ? वो मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। अरे ऐसा मत कहो रियोत्सु। अरे मेरे तो दिल में आग लगी हुई है। वो मुझे नीचा दिखाना चाहते हैं क्योंकि मैं गरीब हूँ, इसलिए मुझे नीचा दिखाना चाहता है। तुमने सही कहा। ये देखो, मैंने नाकागावा की इलेक्ट्रॉनिक नोटबुक चुरा ली है। एक्ट्रेस के साथ पार्टी, शहर के गवर्नर के साथ पार्टी, मशहूर लोगों के साथ डिनर, ये दिखाना क्या चाहता है? ये मुझ जैसे आम आदमी से एकदम अलग है। मुझे बुरा लग रहा है बहुत ज्यादा। ये है कैमरॉन रॉबर्ट। यही लड़की कैमरॉन रॉबर्ट है? बॉडी जैक, तुम्हारे शरीर के अंदर दूसरी आत्मा घुस जाएगी। अगर ये बॉडी जैक मुझे मिल जाए तो मैं भी नाकागावा के शरीर से अपना शरीर बदलना चाहूँगा। अंकल, और दो। अब मैं तुम्हें और उधार नहीं देने वाला, घर जाओ और जाके सो जाओ। अरे ये इतनी ऊपर कहाँ से चढ़ गई? ये नीचे नहीं आ पा रही है ना। रियोत्सु, अब तुम्हारी बारी है। हैं? इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? तुम बड़े आराम से उस बिल्ली की मदद कर सकते हो। प्लीज करो, चाहे कुछ भी करो, तुम्हें बिल्ली को हर हाल में बचाना ही है, समझ गए ना तुम? आज तुम्हें ये सैक्रिफाइस करना ही पड़ेगा रियोत्सु। सैक्रिफाइस? क्या कह रहे हैं बॉस, एक बिल्ली के लिए मुझे सैक्रिफाइस करना होगा? गलत। ये क्या कह रहे हो तुम? और मैं तुम्हें बता दूं कि तुमसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बिल्ली है। ए, तुम लोगों ने मुझे समझ क्या रखा है? मैं कोई फालतू का आदमी हूँ, छोड़ूंगा नहीं मैं। ना कह रहा रियोत्सु, मेरी बात मान जाओ। चलो इधर आओ, अब ज्यादा तंग मत करो, चलो आओ। अरे सुनो, उसे हिलाओ मत। अरे जल्दी करो, जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ। अरे रियोत्सु, तो ठीक है ना? जरा देखो तो। मैं वहाँ पर क्यों पड़ा हुआ हूँ? लेकिन मैं तो यहाँ पर हूँ। अपनी बेकार की बकवास बंद करो रियोत्सु, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? रियोत्सु, हाँ तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? पहले तुम इसे जरा ध्यान से देखो। मेरी शक्ल तो सीनियर की शक्ल के जैसी हो गई। ये तुम क्या मजाक कर रहे हो? मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ,
मैं नाकागावा हूँ। एक्सीडेंट के कारण मेरा शरीर सीनियर के शरीर से बदल गया है। मैं भी हैरान हूँ। यकीन ही नहीं होता। इस समय तो इसके ऊपर विश्वास नहीं कर सकते। इसके बिहेवियर से तो लगता है ये ठीक कह रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सामने जो है ये सीनियर है। रियत्सु सर, आप ठीक तो हैं? रियत्सु सर, घबराओ नहीं, हमने एम्बुलेंस बुला ली है। हेलीकॉप्टर ज्यादा तेज रहेगा। हेलो, मैं नाकागावा बोल रहा हूँ। हाँ, मेरी आवाज अजीब है? अभी ये बात करने का टाइम नहीं है, जल्दी से हेलीकॉप्टर भेजो प्लीज, जल्दी से अभी। रियत्सु सर, आप ठीक है ना? चीफ, मैं भी इनके साथ जा रहा हूँ, मेरी फिक्र मत करना। ठीक है, जाओ। ये तो असली का नाकागावा लग रहा है। ऐसा लगता है ये वाकई बदल चुका है। असली रियोत्सु इस तरह से बिहेव नहीं कर सकता। मुझे विश्वास नहीं होता सर, लेकिन ये नाकागावा ही है। कोई चोट का निशान नहीं है, एमआरआई स्कैन भी नॉर्मल है, कोई स्पेशल प्रॉब्लम तो नहीं है, बताइए। लेकिन आप इन्हें इस अंडरग्राउंड फैसिलिटी में लेकर क्यों आए हैं? जरा सोचिए, इनके पास मेरा शरीर है लेकिन अंदर से ये मेरे बॉस हैं, यानी रियोत्सु सर। अगर रियोत्सु सर को ये पता चल जाए कि उनके पास मेरा शरीर है तो वो पक्का मेरे शरीर का इस्तेमाल करके कुछ ना कुछ गड़बड़ करेंगे, जो कि बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। अच्छा, तो ये बात है। रियोत्सु पक्का ऐसा ही करेगा सर, मेरा यकीन कीजिए। आप ठीक समझे, हालांकि ये रियोत्सु सर के लिए ठीक नहीं है, लेकिन हमें कुछ दिनों के लिए इन्हें यहीं बंद करके रखना पड़ेगा। ये यहाँ पर है, इस बात को सीक्रेट ही रखना होगा। ओह, मैं समझ गया। क्या कहा तुमने, प्रेसिडेंट का शरीर बदल गया है? जी हाँ, बुजुर्गों ने ऐसा कहा है कि आत्मा का बदल जाना किसी कारण से पॉसिबल है, और देखा जाए तो इस बात के बहुत सारे सबूत भी हैं। और साथ ही बात ये भी है कि ये प्रेसिडेंट की प्राइवेट लाइफ के बारे में जानता है। अच्छा प्रेसिडेंट, ये बताइए कि आज का प्रोग्राम क्या है? आज मुझे हेप्रोफुस्की प्रिंस के साथ जापानीज ड्रामा और फिर कल्चरल प्रोग्राम देखने के लिए जाना है, और फिर उसके बाद मुझे एक डांस पार्टी को भी अटेंड करना है। आई एम सॉरी, ये बात सिर्फ प्रेसिडेंट को ही पता थी और आप सब जानते हैं, इसलिए आप ही असली प्रेसिडेंट हैं। सर, मैं आपसे माफी चाहता हूँ। कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, मेरे लिए इतना ही काफी है कि तुमने मेरे ऊपर विश्वास किया। अब मैं नाकागावा बन गया हूँ। ये तो अच्छा हुआ कि मैंने नाकागावा की इलेक्ट्रॉनिक नोटबुक अपनी वाली से बदल दी, और एक्सीडेंट भी बहुत सही समय पर हुआ। इस बदलाव को मैं छोड़ नहीं सकता। अब मैं ऐशो आराम की जिंदगी जीऊंगा, खूब मजे करूंगा। तो इसके बाद क्या करेंगे सर? मेरे ख्याल से मेरा एक इंटरव्यू है वीकली मैगजीन के साथ। मैं नहीं जानता था कि मिस नोरी को इतनी अच्छी है। आप बाकी बहुत अच्छी है। मेरा नाम केची है, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, बाहर निकालो। ये फिर से शुरू हो गया है। सर, मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता था। मैंने सुना है कि रियोत्सु बहुत ही बुरा आदमी है। केची है, केची, मुझे बाहर निकालो, मुझे क्यों रखा है यहाँ पर? देखिए, मुझे जरा सा भी विश्वास नहीं होता। हमारे पास कोई सॉलिड प्रूफ भी नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों फिर भी लोग विश्वास कर रहे हैं। आप लोगों का क्या कहना है? ठीक है ठीक है, हम जरूर कुछ करेंगे, लेकिन हमें किसी बड़े प्रोफेशनल को बुलाकर इसके बारे में राय लेनी होगी। कैसा प्रोफेशनल? कोई है जो इस बारे में जान सके? हाँ, मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग। तुम जल्दी आ गए है ना रियोत्सु? नहीं नहीं, नाकागावा है ना? ओ नहीं रिको, प्लीज ऐसी गलती दोबारा मत करना है। अरे, ये तो रियोत्सु की सीट है ना? मैं हमेशा कहाँ बैठा करता था? अरे भुलक्कर, तुम खिड़की के पास बैठते थे। हाँ तिराई, मुझे सब कुछ पता है, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं। ये लो नाकागावा, तुम्हारी कॉफी आ गई। कॉफी? क्या जापानीज टी नहीं मिल सकती? अरे जापानीज टी तो सिर्फ रियोत्सु पीता है। नहीं, कभी कभी जापानीज टी भी पीनी चाहिए है ना। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बॉस। ओ रियोत्सु, नहीं नहीं नाकागावा, अब आप ये बताओ तुम्हारी तबीयत कैसी है अब? मैं ठीक हूँ बॉस, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। रियोत्सु कैसा है? रियोत्सु सर को बहुत गहरी चोट आई है, इसलिए उन्हें अभी कई और दिन वहीं पर रहना पड़ेगा। उनकी देखभाल हो रही है सर। ठीक है, तो हमें उसे देखने जाना चाहिए। नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है।
एक्सक्यूज मी। बात क्या है साहब आपकी, बोलो। प्रेसिडेंट, दरअसल आपसे एक रिक्वेस्ट है। हाँ बोलो, क्या कहना चाहते हो? बात यह है कि हम ये टेस्ट करना चाहते हैं कि आप असली हैं या नकली। हाँ क्यों नहीं, क्यों नहीं। हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग? हेलो प्रोफेसर इजाज़ी। हेलो हेलो, अब मुझे लगता है आप सभी लोग ये पूछेंगे कि बहुत दिनों के बाद मिले। लेकिन ये मत पूछना कि मैं इतने दिनों तक कहाँ था, क्योंकि ये सवाल तुम लोगों के मतलब का बिल्कुल नहीं है। नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक पूरी दुनिया को मेरी जरूरत है। अब आप सब जानते हैं कि क्या होगा, प्रोफेसर साहब इसे टेस्ट करेंगे। तो देखिए, जीनियस साइंटिस्ट कोरोसुके इजाकी का इन्वेंशन, ये इस बात का पता लगाएगा कि सच में इस बेवकूफ के शरीर में नाकागावा की आत्मा है या नहीं। इस मशीन से हमें पता चलेगा कि 100% असली है या नकली। तो अब आप देखने वाले हैं प्रोफेसर इजाकी द्वारा बनाई गई ये कमाल की मशीन। प्रोफेसर, मशीन स्टार्ट कीजिए। तो मेरे प्यारे बेवकूफ दोस्त, क्या तुम तैयार हो इस टेस्ट के लिए? एक्सक्यूज मी, मेरा नाम केची नाकागावा है, तुम इससे बात करो प्लीज। हो, मैं तो बस मजाक कर रहा था, जिससे तुम्हें थोड़ा सा आराम मिल सके। चलो छोड़ो इसे, तो टेस्ट शुरू करते हैं। फ्रेंड कहो, दोस्त कहो, यार कहो या बंधु कहो। रिको, अच्छा तो ये काम रियोत्सु सर का है। अरे इस बार तो उसने हद ही कर दी, उसे तो सबक सिखाना ही होगा। ये नाकागावा बनना भी कोई आसान काम नहीं है। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, ये मैं नाकागावा हूँ। नाकागावा, तुमने ये दरवाजा तोड़ दिया। अरे ये ऑफिस आने का कौन सा तरीका है भला? रियोत्सु सर की टांगें छोटी है ना, इसलिए ड्राइविंग करने में मुझे मुश्किल हो रही थी। सुनो, तुम रियोत्सु की सीट पर बैठे हो। अच्छा, पता नहीं, शायद ये शरीर सीनियर का है ना, इसलिए अपने आप वहीं जाके बैठ जाता है। अरे हाँ याद आया, पता है आज रियोत्सु ऑफिस आने वाला है। क्या कहा? रियोत्सु को डिस्चार्ज कर दिया गया। क्या कहा रियोत्सु? मेरा मतलब सीनियर को। अब ठीक है। नाकागावा, जैसा कि तुमने कहा, उसका शरीर तुम्हारी तरह है ना? या फिर हो क्या रहा है? सुनिए, यही पास में एक नई दुकान खुली है, इसलिए मैं वहाँ थोड़ा खेलने गया था। तुम तो सच में रियोत्सु बन गए। अपने सीनियर से बात करने की तमीज नहीं है तुम्हें? I'm sorry. नाकागावा, आजकल तुम बहुत घमंडी होते जा रहे हो। नाकागावा, मुझे पैसे चाहिए, 1,00,000 रुपए। ये पैसे मैं अगली कार रेस में लगाना चाहता हूँ, समझे? मैं हमेशा कैश अपने पास में नहीं रखता है ना। अरे कार्ड तो है ना तुम्हारे पास, इससे बात बन जाएगी। बेवकूफ रियोत्सु। अरे चीफ, आप यहाँ? वैसे अच्छा किया जो आप हमसे मिलने के लिए यहाँ चले आए चीफ। मैं कार्ड बस लेने ही वाला था। कोई तमाशा चल रहा है यहाँ पर? तुम सब मेरे हाथों से मार खाओगे। ए लड़की, जाओ और चाय लेकर आओ मेरे लिए। हाँ अभी लाई। आज तो वाकई बहुत ही इम्पोर्टेंट कार रेस होने वाली है। ये तो बिल्कुल मेरी ही तरह है, मतलब मैं दो बन चुका हूँ, तो फिर असली नाकागावा कहाँ चला गया? कहाँ गया? सुनो रियोत्सु। चीफ, तुम रियोत्सु नहीं हो, तुम रियोत्सु समझे क्या? रियोत्सु मैं हूँ और तुम नाकागावा हो। सॉरी रियोत्सु सर। मैंने सुना है तुमने अपने कमरे की सफाई कर दी है। चीफ, मैं समझ चुका हूँ कि इन प्लास्टिक के मॉडल्स और फिगर्स की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने उन सबको फेंक दिया है। क्या? अरे वो तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है, उन्हें क्यों फेंक दिया? कोई लेना देना नहीं है, इसलिए अपना मुंह बंद रखो। मेरे ख्याल से अब इन सब वीडियोस को भी फेंक ही डालो रियोत्सु।
बिल्कुल ठीक कहा। अरे इसे बेकार की एडवाइस क्यों दे रही हो रिको? तुम्हारा इस बात से क्या मतलब है? हाँ हम रियोत्सु से बात कर रहे हैं। नहीं मैं तो ये सब इसलिए कह रहा था कि इन्हें फेंकना इसलिए ठीक नहीं होगा क्योंकि इनसे हमें एंटरटेनमेंट मिलती है ना रियोत्सु सर। पर मैं अब इन वीडियो से बोर हो गया हूँ। ओके आप फेंकना ही चाहते हैं तो मुझे दे दीजिए। नाकागावा क्या सच में? बेहतर होगा कि हम इन्हें फेंक ही दें। नहीं प्लीज मत फेंको, प्लीज मत फेंको। मैं इन्हें 10 लाख रुपए में खरीदने को तैयार हूँ, दे दो मुझे। अजीब बात है। प्लीज मत फेंको सीनियर, प्लीज मेरे अच्छे सीनियर, गुड सीनियर। इन्हें भेज देना चाहिए। मैंने कहा ना मत फेंको, मत फेंको प्लीज। जरूर कुछ गड़बड़ है, मुझे लगता है कि ये सब मिलकर मुझे परेशान कर रहे हैं। हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग? प्रोफेसर इजाकी आप? तुम यहाँ पर क्यों आए हो? तो देखिए जीनियस साइंटिस्ट कोरोसुके इजाकी का इन्वेंशन, तो ये है आत्मा बदलने वाली मशीन। अगर तुम इसे इस्तेमाल करोगे तो शरीर नहीं बदलेगा, सिर्फ आत्मा ही बदलेगी। मतलब ये बेवकूफ और नाकागावा अपनी जगह पर वापस आ सकते हैं। ठीक है, इससे अगर मैं असली में ही नाकागावा बन जाऊं तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। अच्छा ये तो ठीक हुआ ना रियोत्सु सर, ये तो बहुत ही अच्छा हुआ। अब हम दोनों अपने अपने शरीर में वापस आ सकते हैं ना? क्या कह रहे हो? प्लीज सर अंदर जाइए, अंदर जाइए, जाइए ना। अरे नाकागावा मुझे यहाँ से बाहर निकालो, बाहर निकालो मुझे। मुझे बहुत खुशी है, मुझे अब मैं अपने शरीर में वापस आ सकता हूँ। प्रोफेसर जल्दी कीजिए। ओके ओके अभी करता हूँ, तो तैयार। ओह ये क्या हो गया? अरे मैं क्या बन गई? ये मुझे क्या हो गया? कोई बचाओ। अरे मेरा शरीर तो वो अजीब सा कैसे बन गया? मैं तो नाकागावा बन गया हूँ, अब मैं आराम से अपना फोन वापस करूँगा। अरे ये मैं क्या बन गया? बिल्ली की तरह हरकत क्यों कर रहे हो? तुम ऐसा जानबूझकर कर रहे हो। सर क्या आप कुछ कर सकते हैं? नहीं ये बात नहीं, मत बोलो। मैं नहीं, कुछ करो जल्दी प्लीज। अरे मेरे होम लोन के बारे में भी तो कोई सोचे।